श्रेयस अय्यर को लेकर कुछ दिन पहले खबर आई कि एनसीए ने उन्हें फिट घोषित कर दिया है, लेकिन श्रेयस ने इंजरी का हवाला देते हुए रणजी ट्रॉफी न खेलने का फैसला किया था। एनसीए की रिपोर्ट आने के बाद यह खबर बढ़ गई और मुद्दा गर्मा गया, लेकिन अब कल आई ताजा रिपोर्ट के मुताबिक श्रेयस अय्यर मुंबई के लिए रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में खेलेंगे। यानी अब श्रेयस अय्यर सेमीफाइनल मुकाबले में खेलने वाले हैं, तो उनकी चोट पूरी तरीके से ठीक है। श्रेयस के रणजी न खेलने पर काफी बातचीत हुई कि कई खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट को अहमियत नहीं दे रहे हैं और उनका झुकाव T20 क्रिकेट की ओर ज्यादा है। हालांकि ये मुद्दा श्रेयस अय्यर से पहले ईशान किशन को लेकर उठा था, जब वो घरेलू क्रिकेट में अपने राज्य झारखंड की ओर से रणजी क्रिकेट नहीं खेल रहे थे और हार्दिक पांड्या के साथ IPL की तैयारियों में जुटे हुए हैं। श्रेयस अय्यर को इंग्लैंड के खिलाफ चल रहे 5 मैचों की सीरीज के आखिरी 3 टेस्ट मैचों की स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया था और शुरुआती दोनों मैच में श्रेयस का बल्ला कुछ खासा अच्छा चला भी नहीं था और श्रेयस ने मुंबई के लिए इस सीरीज से पहले ही पिछले साल दिसंबर में आखिरी रणजी मुकाबला खेला था मुंबई की तरफ से। वहीं BCCI ने भी कुछ दिन पहले कहा था, अगर कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स फिट हैं और नेशनल टीम का हिस्सा नहीं है और फिर भी रणजी नहीं खेल रहे हैं तो उन पर एक्शन लिया जाएगा। बता दें कि रणजी ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल में मुंबई का सामना तमिलनाडु से होगा। यह मुकाबला 2 मार्च से मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के मैदान बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में खेला जाएगा। श्रेयस के दोबारा रणजी खेलने पर आपका क्या मानना है, इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। और साथ ही साथ श्रेयस अय्यर के शिवम दुबे भी दोबारा से मुंबई के लिए रणजी खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी क्वार्टर फाइनल मुकाबला में किया था। अब इस पर आपकी क्या राय है, इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और स्पोर्ट्स जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल स्पोर्ट्स लाइव ABP लाइव को।